का दोस्त राधे श्याम भोसार। तो ये स्कूल ड्रेस है हमारी, सबसे पहले इसकी जो स्टीम है ये नीचे वॉल होता है उस वॉल को सेट करना है। ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए हमें, ओके, मीडियम स्टीम चाहिए। और उसके बाद में ये जो है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये यहाँ तक घूमता है, ओके। तो हमें ये भी एकदम मीडियम टू नॉर्मल इसका ये चाहिए टेम्परेचर, आयरन का, ये दोनों बात है बाकी। और उसके बाद में ये जो लहंगा चोली सूट है ये हमें स्टीम प्रेस करना है। वैसे तो मैंने इसको ड्राई क्लीनिंग कर लिया है विदाउट किसी डैमेज के, ना ये प्रिंट खराब हुए हैं ना ये दानेदार हुआ खराब हुआ है, लेकिन लूज तो है ही, ड्राई क्लीनिंग करने से पहले ही ये लूज था काफ़ी। बट इसको अभी स्टीम प्रेस में हमें डैमेज नहीं होने देना है, तो इसकी हम स्टीम प्रेस करेंगे और अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए, अच्छे से फोल्ड होना चाहिए, इस तरह से हम इसको स्टीम प्रेस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें फिलहाल तो एक लेयर है, दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर है। इससे ज़्यादा लेयर के भी लहंगे चोली सूट आते हैं, बट ये इतना है ना, इतना ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादा लेयर होते हैं तो इसमें ऐसा प्रिंटेड का कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। चलो अभी इसको स्टीम प्रेस करेंगे। अभी सबसे मैं आज जो कर रहा हूँ ना ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, मतलब इस तरह का अगर सेंसिटिव प्रिंटेड ड्रेस हो तो उसको इस तरह से आयरन करना है अलग, और घाघरे चोली आयरन करने की बाकी की प्रोसेस अलग है। तो रेगुलरली मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में प्रेस करता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ प्रेस करना है। इससे शॉर्टकट में भी आप सकते हैं, ब्रेन की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा बट काम परफेक्ट होगा और डैमेज फ्री रहेगा। नेट में भी दो लेयर है, ये एक लेयर है ये एक लेयर। दोस्तों ये हमारा बेसिक स्टीम प्रेस हो गया, अभी इसको हम अंदर की साइड से प्रेस करें। अगर प्रिंट नहीं हो तो हम बाहर की साइड से भी प्रेस कर सकते हैं। और एक बात जरूरी है, जब भी आप प्रेस करते हो ना वर्क को अच्छे से देख लीजिए, किस वर्क को किस तरह से प्रेस करना है कैसे नहीं, ये प्रेस करने से पहले ही आप डिसाइड कर सकते हो। जब थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस अगर लगाओगे तो आपको प्रेस कर जाएगा जल्दी जल्दी में ऐसे कपड़े। काम तो होता है जल्दी, जितना भी फैंसी वर्क हो ना तो उससे उतना हमारा काम कम रहेगा, बट थोड़ा सा सोच के प्रेस करना है। ये प्रिंट है वो भी खराब नहीं है, इसके अंदर वैक्यू भी दबा रहा है, वैक्यू भी दबा रहा है, और स्टीम भी। बट मैं अगर जब आगे से करता हूँ ना पूरा लहंगा तो मैं वैक्यू नहीं दबाऊँगा, सिर्फ स्टीम प्रेस करूँगा।
के जो धागे निकले हों उनको कट कर दीजिए। थोड़ा टाइम निकाल के उनको कट कर सकते हैं आप। प्रेस महंगा हो गया है बट अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो करेंगे। ये भी सिलाई है यहाँ से, ये एक सिलाई है, उसके बाद में ये एक सिलाई, नेट की भी एक सिलाई पकड़ लीजिए, सारी सिलाई तरफ कर लीजिए इस तरह से। अभी एक बार ध्यान में रखना है ये फाइनल फिनिशिंग है। ये फाइनल फिनिशिंग है और हमें विदाउट वैक्यूम के ये आयरन करना है, वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं चलाना और स्टीम जो है ना ऊपर ऊपर ही आपको ट्राई स्टीम प्रेस करना है। ओके विदाउट स्टीम प्रेस हो रहा है प्रेस अच्छे से और डैमेज भी नहीं हो रहा है। करने से क्या होता है जो अंदर के दो तीन लेयर है ना उसमें सिलवटे नहीं आए। ओके और मैं इसके ऊपर आयरन नहीं घुमा रहा हूँ, मतलब इसका अगर थोड़ा सा कुर्दुआ जो होती है साइड तो दाने नहीं निकले। पूरा प्रेस हो रहा है इस साइड से भी करेंगे। और ऐसे कपड़े हैं ना जो प्रिंटेड वगैरह हो वो सबसे आखिर में करना है, मेरा पूरा काम हो जाने के बाद में मैं इसको सबसे आखिर में कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर ही कर रहा हूँ, मैं आयरन नीचे टच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टीम से प्रेस हो रहा है। ओके ये बात ज़्यादा ध्यान में रखनी है आपको। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेस अच्छे से, अभी मैं आयरन बंद करूँगा, स्टीम आयरन में कम्प्लीटली बंद करूँगा। सिर्फ इसका ये जो हीटर है ना इसके अंदर हीटर आता है वो हीटर सिर्फ मैं शुरू रखूँगा अभी। ओके ये जो भी हमने अभी स्टीम छोड़ा है वो एवेपोरेट हो जाए, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहे। ओके इसमें मॉइस्चर नहीं रहना है, सिर्फ हमें हीटर शुरू करना है 10-15 मिनट के लिए और एक दो बार मुझे सिर्फ पलटा देना है, मतलब एक काम हमारा 100% परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बॉयलर बंद कर देना है, बॉयलर बंद कर दिया, वैक्यूम बंद कर दिया, अभी सिर्फ मेरा हीटर शुरू हो गया। अभी मेरा हीटर शुरू है, 100 पे है हीटर मेरा, 10-15 मिनट में इसको रखूँगा, फिर उसके बाद में इसको 5 मिनट के बाद में पलटा दूंगा चारों साइड, ये एक साइड, दो साइड और ये तीन और चार, ये चारों साइड 5-5 मिनट में रखूँगा और सबसे लास्ट में कोई भी जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फोल्ड करके हम बैग में पैक करने वाले हैं। रहने देते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। अभी इसका मैं फोल्डिंग करूँगा
और कोल्डिंग करने से पहले मैं अभी 20 मिनट के बाद में आपको दिखाता हूँ, मतलब आपके लिए तो जस्ट एक सेकंड में है, तो मैं 20 मिनट तक वेट करूँगा, इसको अच्छे से हीट होने दूँगा, फिर उसके बाद में इसको पैक करेंगे। इसकी फोल्ड भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको चारों साइड से अच्छे से पलटा दिया। अब मैं इसमें पेपर डालूँगा और इसको फोल्ड भी करेंगे। मतलब अगर थोड़ा भी मॉइस्चर इसमें बचा होगा ना, तो ये पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा, हमारी प्रिंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये छोटी छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हो गया हमारा ये देखिए, पहले से ही इसमें काफ़ी सारे निकल रही थी पहले से ही। और हाँ, मेरे पास बटर पेपर नहीं है, मेरे यहाँ पे बटर पेपर नहीं मिलता है दोस्तों, और मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। ओके, जब मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकूँगा, तो बटर पेपर में ज़रूर यूज़ करूँगा। ये रहा हमारा लहंगा चोली, ये जैसी बैग है ना, उसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। और प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और जो इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी बातें जो आपको बताई है ना, ये कोई नहीं बताएगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ी सी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करूँ, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।